चंद्रशेखर जी की मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वारदेली में है लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। और रामचरितमानस में या धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, गीता में क्या लिखा हुआ है, मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि हिंदू ग्रंथों में जो हम लोग बाहर से देखते समझते हैं, ये हिंदू धर्म की खूबी है कि हर ग्रंथ के अलग अलग भाष्य लिखे गए हैं। एक गीता पर 500 भाष्य लिखे गए हैं। हर आदमी जो भाष्य लिखता है वो उसी गीता को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, और उसको ये स्वतंत्रता है सामाजिक और रिलीजन के हिसाब से भी, धार्मिक भी। तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई विवाद के विषय होना नहीं चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, ये तो जिस दल में वो हैं, ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए, और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा, पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है, तो उन्होंने पढ़ा पढ़कर, अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं, इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए।